थी और या आप शादी करना चाहती हैं वो बताएं। मैंने कहा था भले गरीब हो, ऑनेस्ट हो और उसके पास पैसे नहीं हो चलेगा, बट इसमें ना ये तो गरीब है, ऑनेस्ट भी नहीं है, झूठ पे झूठ खुद का कर्जा किया हुआ है, और कोई भी लड़की गुजर भी गई तो भी उसे लाइन मारेगा, और मतलब बहुत सारी चीजें, ये तो विश्वास भी नहीं है। You're still stuck in Ilesh. I want to know from you, what is the sort of chap you want to get married to? किस किस्म के लड़के से आप शादी करना चाहेंगी? जिसका खुद का अपना अपनी जॉब हो या बिजनेस हो या अपना खुद का घर हो, जो मेरे घर में आके ना रहे, घर जमाई बन के नहीं रहना है। सर आपको हंसी आ रही है, यहाँ पे मेरा दिल चिढ़ रहा है और आप हंस रहे हैं मेरे दुख पे, और मैं यहाँ पे मेरे I am really sorry. आंसू निकल रहा है। I am really sorry. I didn't mean to hurt you. I'm so sorry. But it sounds really funny. You Oh God, can we have a close-up of Raghi? Raghi is actually crying. No, I'm not crying. I won't cry. मैं बहुत हिम्मत वाली लड़की हूँ। मैं आत्मविश्वास क्या आत्महत्या करने में विश्वास नहीं रखती। मैं बहुत मेरा आत्मविश्वास बहुत strong है और मैं बहुत हिम्मत वाली लड़की हूँ। मैं लड़ूंगी आगे ज़िंदगी में। बहुत हिम्मत है मुझ में। But you actually got hurt? Are you saying you got hurt by Ilesh? You did? बहुत ज़्यादा मुझे shock लगा sir. मुझे लगता है हर्ट होने से ज्यादा आप शायद आपने गुस्सा ज्यादा आया। मुझे ये लग रहा है गुस्सा है, हर्ट भी हूँ गुस्सा भी है। आस्क हिम के मैंने इसको जब मैंने बताया एंड ही वाज शॉक्ड। ही सेज फ्रॉम माय कंट्री कनाडा से, ये तो अभी इंडिया में ही रहता है, बट जब इसको मैंने बताया तो ही वाज शॉक्ड। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को सब बताया तो क्लोज फ्रेंड्स शॉक थे, क्योंकि वी ऑल वांटेड फ्रॉम आवरसेल्व्स फॉर हर टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, के कुछ अच्छा बन जाए, राखी का भी रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। हम सब यू नो वेयर हर वेल विशेस, वी वांटेड इट टू वर्क, बट देन व्हेन शी बट डिडंट वर्क। ऑलराइट, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन एवरीबॉडी, वी विल हियर इट फ्रॉम राखीज माउथ इटसेल्फ। अ लॉट ऑफ यू वांट टू नो इज राखी गोना मैरी इलेश? पीपल आर स्टिल आस्किंग। ऑफ कोर्स नॉट, नेवर। यू श्योर? या 1000%। आई एम ऑलरेडी ब्रोकन माय एंगेजमेंट। जोर से मैं बोलना चाहती हूं कि मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। आप इलेश से शादी नहीं करेंगी? नहीं करूंगी। ऑलराइट, सो ऑलराइट इलेश, यू आर इन द डॉग हाउस, दैट्स इट, यू आर ओवर, फिनिश्ड, राइट? सो एंड व्हाट अबाउट ऑल द स्टफ दैट ही हैज बीन, अंग्रेजी बोलने से, ऑलराइट, व्हाट अबाउट ऑल द स्टफ दैट ही हैज रिटन अबाउट यू ऑन फेसबुक, ऑन ऑर्कुट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जो कुछ भी उसने आपके बारे में लिखा है इस वक्त, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या गॉड ब्लेस हिम, और मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या कह सकती हूँ? सब झूठ है। खुद को इंसान बचाने के लिए सब क्या 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 लिख रहा है। बट लेकिन ये सब वो क्यों लिखेगा? After all, आपकी वजह से इलेश को बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा। आज की तारीख में स्वयंवर के पहले, राखी का स्वयंवर के पहले, इलेश नाम का कोई शख्स था ही नहीं। जीता भी है, जागता भी है, पैदा भी हुआ। इलेश तो मैंने नाम ही नहीं सुना वैसे कभी पहले, कि है भी कोई ऐसा शख्स, तो उसको तो आपके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। उसके तो 4 साल से मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है वो बंदा। 4 साल से, जब मुझे पता चला, जब मैंने उनको व्हाइट सूट में देखा था गाड़ी से उतरते, मैं बोली ओए कनाडा से एक NRI आ गया, ओए अब तो मेरी शादी हो जाएगी, ओए अब तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, ओए ऐसा हो गया था। और अब तो पता चलता वो सूट भी भाड़े का होगा, रेंट से व्हाइट वाला सूट। वो सूट ने तो सचमुच दिमाग खराब कर दिया। सूट मतलब काइंड ऑफ सूट दैट जितेंद्र यूज्ड टू वेयर, या फुल वाइट सूट। और ऐसा लगा कि मेरे स्वयंवर में एक बंदा, मतलब ऐसा लगा जो एंट्री थी। व्हाट अबाउट द शूज? व्हाट अबाउट द शूज? शूज वर आल्सो वाइट? शूज भी वाइट, एकदम जितेंद्र, एकदम सब कुछ वाइट वाइट वाइट, और दिल काला, सब कुछ वाइट। जो ज्यादा वाइट पहनते उनका दिल पूरा टोटली काला होता है। उसके अंदर दिल में क्या सोच के आया पता नहीं ना सर, सो बैड। उनको लगा बिकॉज विनिंग प्राइस जो था 25 लाख रुपया था, उनको ऐसा लगा कि मैं इस शो में आऊं, उनके लिए शादी ब्याह एंगेजमेंट मूंगफली है। बिकॉज ऑलरेडी उनके 8 रिलेशनशिप कनाडा में ब्रोक करके आ गए थे, 8 गर्लफ्रेंड्स। उन्होंने बोला भी है, सबके सामने बोला है शो में, कि मेरी 8 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मैं 1 साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं रह पाऊंगा। तो मैंने एंगेजमेंट से पहले मैंने कहा आप मेरे साथ कैसे बर्दाश्त करोगे बॉस, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको चुन पाऊंगी। नो, अफेयर इज अ डिफरेंट राखी एंड द मैरिज इज अ डिफरेंट राखी। तो मैं उसके अंग्रेजी में थोड़ा आ गई सर सच में। और लेकिन ये गलत है कि आप अंग्रेजी बोलने से जरूरी नहीं कि इंसान अच्छा हो जाता है। अंग्रेजी को इंसान को भगवान नहीं बनाना चाहिए।
जी दुरुस्त बात है, लेकिन आप ये बताएं कि अभी मतलब ये अब इसका समापन कैसे हो गया, ये आपने समापन कर दिया इसका, कर्टन पर्दा इस पे गिरा दिया पूरी रिलेशनशिप पे, मेरे अंदर एक उबाल है, गुस्सा है कि मेरे साथ ही ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर मैंने शांति से बैठ के मैंने सोचा कि राखी तुझे ईश्वर ने बचाया है विद इन अ मंथ, मैं हिंदुस्तान की एक लक्की लड़की हूँ कि एक महीने में मैं बच गई, वरना आज अगर मुझे पति पत्नी और वो शो नहीं मिला होता तो मेरी जिंदगी अभी तो मैं उसके साथ होती और मुझे पता भी नहीं चलता उसके बारे में। लेकिन जब आपने सगाई करी उसके साथ, जब आपने एंगेजमेंट करी उसके साथ, तब आप बिल्कुल सीरियस थी कि आप उससे असल में शादी करेंगे आगे जाके? या सर बिल्कुल सीरियस थी, बिल्कुल सीरियस थी। एक दोनों एक दूसरे को मौका देंगे और मैं उसको मौका दूंगी, और अगर मैं उसे जान गई कि उसके बैकग्राउंड क्या है सब कुछ, तो मैं उसे शादी कर लूंगी। मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, कहीं ना कहीं, क्यों मैं बताऊं डाउट क्यों था। जब मेरा ये चल रहा था स्वयंवर, वहां पे एक लड़की थी, मैंने लड़की का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पे उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने उसके साथ क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे सबने बोला, सभी कंटेस्टेंटों ने बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं बोली एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को निकालना चाहते हैं इसलिए झूठ बोल रहे। लेकिन बाद में वो लड़की ने मुझे फोन किया, आई डोंट टू टेक हर नेम, और उसने मुझे फोन किया कि यार राखी तुम फंस गई। उसने मेरे पास लेटर लिखे, मेरे पास लेटर है, ही लव मी, उसने कैसे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट किया। सर मुझ पर क्या गुजरी है सर, मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ठोकरे खाते रहूं, मैं किस पे विश्वास करूं, क्या करूं, मैं ऐसे ठोकरे खाती रहूं, कैसे पहचानूं इंसान को, कैसे हम तो मनुष्य कैसे पहचाने इंसान को, कौन सही है कौन नहीं है। लेकिन राखी आपको ये मालूम नहीं था, आई एम सो सॉरी, यू मस्ट बी फीलिंग काइंड ऑफ लेफ्ट आउट, आई होप यू डोंट माइंड, यू कम हियर, नो यू कम हियर टू टॉक अबाउट, राइट, यू कम हियर टू टॉक अबाउट द एल्बम, वी विल टॉक अबाउट द म्यूजिक वीडियो इन जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, बिकॉज़ आई वांट टू सी इट टू, I really and truly want to see it, but let's get this over with. Now, what I want to know is, जब आप मतलब स्वयंवर जब हुआ, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उस वक्त, जो भी हम लोगों ने देखा उस वक्त, उसमें ये बात आ रही थी बार बार कि राखी ऐसा क्यों कर रही है, राखी सावंत ऐसा क्यों कर रही हैं, अपने करियर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हैं, क्योंकि एक बार अगर राखी सावंत की शादी हो जाएगी उसके बाद राखी सावंत के करियर का क्या होगा, हम लोगों ने यह सोचा, सो विच इज वाई You didn't think of that at all? उसके बारे में आपने जरा भी नहीं सोचा? सर एक लड़की को तो एक ना एक दिन शादी तो करनी पड़ती है ना, सो मेरे पीछे ना मेरे पापा का सपोर्ट, ना माँ का सपोर्ट, ना भाई का, ना किसी का सपोर्ट नहीं था, तो मेरे लिए कोई रिश्ता लाएगा कौन, कौन लाएगा मेरे लिए रिश्ता, कौन लाएगा, कोई है मेरा जो मेरे लिए कोई रिश्ता लाए, और मैं शादी करूँ और प्यार करती हूँ तो दो सब धोखे दे के चले जाते हैं, और मैं इंतजार करके चार साल से अभिषेक के साथ बैठी थी कि वो शादी करेंगे, वो धोखे दे के चला गया, शादी तो हुई नहीं मेरी, तो मैं कब तक बैठूं? अभिषेक ने कहा कि आपने उसको निकाला, अब सच्चाई तो वही खुद जानता है। All right, if Rakhi doesn't want to go there, we won't go there. It's up to her. All right, you don't want to go there. All right, जी, तो आपने फिर ये तय किया? मैंने कहा चलो शादी करते हैं, बता मुझे कुछ बन जाने दो। अभिषेक ने कहा था कि मुझे कुछ बन जाने दो, मुझे सीरियल कर लेने दो, यू नो, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको कैसे भी करके सीरियल दिलाई और कुछ भी किया, बाद में वो कर गए, बट डजंट मैटर, मेरी जिंदगी रुकी नहीं, मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरी जिंदगी नहीं रुकी, ईश्वर मेरे साथ है, मेरी जिंदगी कभी नहीं रुकी। No, but you've done very well professionally. Yeah. We're all very proud of you. Look at her. Look at what she's done. Yeah, exactly. You know the kind of banner she's got. You know, just about every banner in the entire country wants Rakhi Sawant to be there, and so on and so forth. That's really wonderful. लेकिन ये जो शादी का जो मसला है, वो अभी खत्म हुआ कि अब आप इसके बारे में 10 साल के बाद सोचेंगी शादी के बारे में? नहीं, शादी के बारे में मैं इंतजार कर रही हूँ किसी अच्छे लड़के का मेरी जिंदगी में। Alright. मुझे शादी करना है सर, और मैं उसके लिए रोज सुबह उठ के टिफिन बनाना चाहती हूँ, और मैं वो जाए तो उसकी बैग उसे हाथ में दूँ, शाम को आए और मैं इंतजार करना चाहती हूँ एक प्रॉपर हाउसवाइफ की तरह। Alright, you heard it, guys. You heard it. You have any candidates for Rakhi Sawant? Please do send them in. You know what to do. This is not a joke. Alright, you think I'm joking? I'm not. ये मेरा दोस्त है, दुश्मन है। I'm not joking. Alright, you got any prospective? No, wait a minute. ये तो आएगा, मुझे दिलासा दे रहा आएगा। आएगा तो कब आएगा? अरे, शायद आकर चले भी गया, तूने पहचाना नहीं। फिर? मुझे तो मिलता, आता तो।